अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर एक और मेरे पास ज़बरदस्त प्लांट मौजूद है, बर्ड ऑफ पैराडाइज़, एक और बेहतरीन ट्रॉपिकल प्लांट मौजूद है। और इसकी जो है वो आज हमें रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि मेरे पास अक्सर जो है वो क्वेरीज आती हैं रिपोर्टिंग की, कि कब रिपोर्ट करना चाहिए प्लांट को, किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्लांट को कब रिपोर्ट करना चाहिए। तो वो कुछ बातें आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है। लेकिन ये अभी जो मेरे पास यहाँ पर बर्ड ऑफ पैराडाइज़ मौजूद है, इसको भी हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, इसीलिए आज मैंने ये जो है वो टॉपिक सेलेक्ट किया है, ताकि इसके साथ साथ मैं आपको इसकी रिपोर्टिंग भी दिखा सकूं और बता सकूं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देख के हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कब हमें प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट मौजूद है। इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो इसके फ्लावर्स होते हैं, बड़े ही अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, बर्ड की तरह जो है वो उनका एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे पास मौजूद है, लेकिन अभी ये जिस पॉट के अंदर मौजूद है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, पॉट ये बड़ा है, प्लांट इतना बड़ा नहीं है, और ये इसके अंदर इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। तो इसीलिए आज मुझे इसको रिपोर्ट करना है, और इसको मैं अभी ग्राउंड में शिफ्ट करने जा रहा हूँ, ज़मीन में शिफ्ट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये मैंने स्पॉट यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट किया है, और इसको मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। और ये स्पॉट क्यों मैंने सेलेक्ट किया है, बर्ड ऑफ पैराडाइज बेसिकली आप इंडोर भी और आउटडोर भी दोनों तरह से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसके बीच में सेंटर में जो है वो एक यहाँ पर ये मैं जगह बना रहा हूँ, ताकि मैं जब उसको पॉट से निकालूंगा तो यहाँ पर उसको मैं आसानी से लगा सकूँ। तो मुझे यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो इसकी खुदाई करनी पड़ेगी, और फिर इसको मैंने लगाना होगा। तो बात ये हो रही थी कि आउटडोर में अगर हम लगाते हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज़ को, तो उसका रीज़न ये होता है कि जो अगर आपको इसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए बर्ड ऑफ पैराडाइज़ की, और इसकी ब्लूमिंग चाहिए, इसके फ्लावर्स वगैरह चाहिए, तो इसको सनलाइट जो है वो 4 से 5 घंटे की सनलाइट जो है वो डायरेक्ट इसको चाहिए होती है। तो अगर अच्छी आपको इसकी प्रोग्रेस चाहिए, तो अगर इंडोर रखते हैं इंडोर भी होगा, लेकिन ग्रोथ में थोड़ा सा फर्क आएगा। अगर आप ब्राइट स्पॉट में रख रहे हैं तो इंडोर में भी ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन अगर आपको इसकी अच्छी प्रोग्रेस चाहिए तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसीलिए ये स्पॉट मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 घंटे जो है वो इसको लाइट मिल सकेगी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है वो एक फुट तकरीबन जो है वो मैंने यहाँ पर इसकी जो है वो अच्छे से यहाँ से मिट्टी निकाल ली है, ताकि मैं इसको इसीलिए जो है वो यहाँ पर लगा सकूँ। अच्छा, अब ये क्योंकि पॉट यहाँ पर अगर आप देख सकें तो ये पॉट काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसका इस तरह से मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी साइड से जो है वो मैं मिट्टी निकाल लूँ पहले, ताकि एक तो ये हल्का हो जाए, पॉट बहुत ज़्यादा भारी है, और दूसरा कि ये इसके लीव्स जो है वो डैमेज ना हो। वैसे अगर आपने देखा हो जो छोटा पॉट होता है उसको हम किस तरह से निकालते हैं, वो उस तरह से अभी मैं ये प्रोसीजर जो है वो इसके साथ यूज़ नहीं करना चाह रहा। तो साइड से जो है वो मैं इसके मिट्टी निकाल लूँ, और फिर इसको मैं यहाँ से सेपरेट कर लूँगा, अलग कर लूँगा। तो रिपोर्टिंग बेसिकली इसीलिए, एक तो जो रिपोर्टिंग का मकसद होता है वो यही होता है कि अगर आपके प्लांट जो पॉट के अंदर लगा हुआ है उसकी अगर ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको, तो आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, रिपोर्टिंग उस सिनेरियो में जो है वो करनी चाहिए आपको। दूसरा ये होता है कि अगर आप ड्रेनेज होल के नीचे से अगर आप देखें तो बहुत सारी रूट्स बाहर निकली हुई हैं, तो आप तब भी जो है वो रिपोर्टिंग करें। तो इस तरह से देखें, मैंने ये निकाल लिया है, और इसको जो है वो आराम से मैं निकाल लेता हूँ, ताकि इसके जो लीव्स वगैरह हैं वो डैमेज ना हो। इसके नीचे ये कोई सांप वगैरह नहीं है, कोई स्नैक वगैरह नहीं है, बल्कि इसके राइजोम्स हैं, इसके जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं वो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसको मैंने ये इसीलिए आराम से किया है ताकि ये डैमेज ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होती हैं और सॉफ्ट होती हैं, ये टूट जाएंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इनको मैं ज़रा पहले वॉश कर रहा हूँ, ताकि ये मैं ज़रा अच्छे से दिखा सकूँ कि अभी मैंने ये ऑलरेडी निकाल तो लिया है, लेकिन इसको नीचे का जो इसका स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये राइजोम्स होते हैं, बल्ब भी कहते हैं, राइजोम्स भी कहते हैं। ये बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो आप देख रहे हैं, कितने मोटे जो है वो यहाँ पर ये मौजूद हैं, अच्छे खासे थिक हैं ये, और इनकी जो प्रोपगेशन होती है वो भी इन्हीं की मदद से जो है वो की जाती है। तो ये देखें, ये एक सेपरेट भी हो गया है, ये तीन जो है वो यहाँ पर इसके साथ अटैच हैं, एक जो है वो सेपरेट हो गया, तो इनको मैं जो है वो अलग, ये देखिए ये वाला जो है वो अलग कर दिया मैंने इसको, तो इनको मैं सेपरेट लगा दूंगा। तो ये बेसिकली ये मैं आपको बता रहा था कि ये राइजोम्स हैं, और ये अंडरग्राउंड जो है वो इनके स्टेम्स होते हैं, जो इसकी प्रोपिगेशन होती है वो जिस तरह से हम बाकी देखते हैं स्टेम कटिंग वगैरह नॉर्मली, उस तरह से नहीं होती। देखें, ये इसकी रूट्स हैं जो आपको लाइट कलर की दिख रही हैं, ब्राइट कलर की दिख रही हैं, ये सारी रूट्स हैं इसकी, जो इसकी प्रोपगेशन होती है, यहाँ इसके रूट हेयर्स भी देख सकते हैं। तो प्रोपगेशन का जो सिनेरियो होता है वो यही होता है कि जब आपका टाइम आता है, स्प्रिंग सीजन होता है, तो इनको कट करके अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, और इस तरह से जिसको आमतौर पे हम रूट डिवीजन कहते हैं, उसकी मदद से जो है वो इसको सेपरेट करके इसकी प्रोपगेशन की जाती है। जैसे देखें कि ये मैं इसको अभी सेपरेट लगाऊंगा, इसको अलग कर दूंगा, और इसको जो है वो मैं
अलग कर दूंगा। तो इन दोनों को अब ये मेरे पास दो पॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब दो प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इनको दो प्लांट्स के तौर पे अब मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। ये ऊपर से इनके लीव्स वगैरह हैं, लीव्स इनके ग्रो हो रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड है, जिसकी वजह से मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। तो रिपोर्टिंग जो है वो बहुत सारी वजह से होती है, जिसमें मैंने एक तो बताया कि आपको ग्रोथ नहीं दिख रही होती तब आप रिपोर्टिंग करते हैं, नीचे से ड्रेनेज होल से आपको बहुत सारी रूट्स बाहर निकलती हुई दिख रही होती हैं तब आप जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। दूसरा ये कि अगर आप देखते हैं कि आपने पानी दिया है पॉट के अंदर और वो बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो रही है मिट्टी, तब आपने जो है वो इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये कुछ सिनेरियो होते हैं जिसकी वजह से आपको रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है प्लांट की। तो इस तरह से ये मैंने रख दिया है इसके अंदर, जो मैंने यहाँ जगह बनाई थी इसकी, और ये ऊपर जितनी मिट्टी है वो सारी की सारी डाल दूंगा ताकि ये राइजोम्स जो है वो इसके वो नीचे आ जाएँ, ये एक्सपोज ना रहें। ऊपर से अगर थोड़े बहुत रह भी जाते हैं तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होने चाहिए। तो इसको मैं पूरी तरह से जो है वो नीचे कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट जो किया है वो ये एक किया है जिसके अंदर तीन प्लांट्स जो है वो मौजूद थे, मतलब कि तीन जो है वो अलग अलग जो है प्लांट्स यहाँ पर इसके साथ अटैच हुए हैं। जो एक है वो उसे मैं थोड़ा सा मैं उसे शेडी एरिया के अंदर लगाऊंगा ताकि इसमें फुल सन इसको मिलते रहे और उसमें हम दोनों में डिफरेंस देख सकें कि इनकी जो है वो क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो अभी यहाँ पर मिट्टी वगैरह मैंने इसकी बिल्कुल सेट कर दी है, अब इसको थोड़ा सा हम जो है वो अच्छे से पानी देंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम में आपको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो पानी देना होता है ताकि जो मिट्टी बैठनी होती है वो अच्छे से बैठ जाए ताकि हम उसको देख सकें। और अगर मिट्टी ऐड करनी होती है पॉट में भी अगर करनी है या आप यहाँ पर ग्राउंड में भी देखें तो भी हमें ये काम अभी करना चाहिए क्योंकि कहीं से रूट्स को हवा नहीं लगनी चाहिए बाद में, तो ये काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्टिंग के अंदर आ जाती हैं। रिपोर्टिंग जब भी आप करें तो हमेशा याद रखें कि या तो शाम का टाइम सेलेक्ट करें या सुबह का टाइम, जो ठंडा टाइम होता है, दोपहर में धूप में आप रिपोर्टिंग ना करें, कोशिश करें। और ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ अभी रिपोर्टिंग का सीन, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी इंशाल्लाह अपडेट्स एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही मुझे इसके अंदर कुछ प्रोग्रेस दिखेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।